आप देख रहे हैं क्रिकेट विद मुबशर का यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम खास तौर पे बात करेंगे मोहम्मद रिजवान की मोहम्मद रिजवान जिनको एक दो एक से दो साल पहले कोई जानता नहीं था कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं ये तो सबको पता था कि वो एक अच्छे प्लेयर हैं

मैं अपने अपनी बैटिंग से बताया कि वो कितने छह प्लेयर हैं और चाहे वो इतना तेज़ नहीं खेल सकते पर वो बहुत ही अच्छे एक क्रिकेटिंग जो कह सकते हैं शॉर्ट्स खेल के बहुत ही अच्छी अपनी बैटिंग से टीम्स को जितवा सकते हैं तो इस बारे में अगर हम मोहम्मद रिजवान की बात करते हैं तो मोहम्मद रिजवान जो कि टी टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में जिनकी जगह भी नहीं बनती थी कभी सोचा भी नहीं था कि मोहम्मद रिजवान टी ट्वेंटी में खेलेंगे पर मोहम्मद रिजवान ने अपने आप को प्रूव किया और सबसे ज़्यादा इसमें बात बनेगी जो मिबाउल की करते हैं हक ने बाबर आजम के साथ मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग पेयर के तौर पर रखा जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ब्रेव डिसीजन था क्योंकि बाबर आजम की भी अगर हम बात करें तो बाबर आजम भी इतने ज़्यादा तेज़ स्ट्राइक के साथ अगर देखा जाए शहजील खान फ़खर जमान के साथ तो इस तरह का अटैकिंग नहीं खेल सकते उसके साथ अगर हम मोहम्मद रिजवान को देखें तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम एक तरह के प्लेयर्स हो जाते हैं एक बहुत ही शानदार और ब्रेव डिसीजन था हक की तरफ से जिस जिस बात पर का बहुत ज्यादा क्रेडिट बनता है कि मोहम्मद रिजवान उन्होंने मोहम्मद रिजवान को जो ओपनिंग के स्लॉट में रखा और उन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्म करके मोहम्मद रिजवान ने अपने आप को प्रूव किया कि वो हर फॉर्मेट के अच्छे प्लेयर हैं और मोहम्मद रिजवान की जो सबसे बेहतरीन बात है कि वो कभी हार नहीं मानते अगर आपको वर्ल्ड टी ट्वेंटी याद हो तो वर्ल्ड टी ट्वेंटी का जो सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया का उससे पहले दो रातों पहले जो आईसी यू में थे मोहम्मद रिजवान जिनको चेस्ट का बहुत ज्यादा इंफेक्शन हो चुका था पर उन्होंने हिम्मत नहीं, नहीं आ रही और सेमीफाइनल खेला और सेमीफाइनल में भी क्या ही शानदार परफॉर्मेंस दी थी पर मोहम्मद रिजवान की बात करें जिनको देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान की अगर हम अचीवमेंट्स देखते हैं 2021 में कि बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं मोहम्मद रिजवान की एज अ बैटर और विकेट कीपिंग जो उन्होंने शानदार विकेट कीपिंग की चाहे वो टेस्ट हो वनडे हो टी ट्वेंटी हो तो बहुत ही शानदार बैटिंग की कीपिंग की और क्या कैप्टनी कैप्टेंसी भी की न्यूजीलैंड में टेस्ट की टीम की जो कि बहुत अच्छी कैप्टेंसी भी की है और एक ब्रेक प्लेयर और एक ब्रेव कैप्टन भी नज़र आता है मोहम्मद रिजवान में जो कि मुल्तान सुल्तान में भी हमने देखा है कि मोहम्मद रिजवान ने मुल्तान सुल्तान को चैंपियन बनवाया पाकिस्तान लीग में तो मोहम्मद रिजवान के जो टीम थी मुल्तान सुल्तान बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दे सकी पर दूसरी लेग में ऐसा कम बैक किया मोहम्मद रिजवान की टीम ने मुल्तान सुल्तान ने कि वो चैंपियन बन गई और उसके साथ अगर हम मोहम्मद रिजवान की ट्वेंटी में अगर हम अचीवमेंट्स देखते हैं तो बहुत सी अचीवमेंट्स हैं कि हाइयर हाइस्ट रन गेटर्स हैं जो अब कैलेंडर ईयर में है वो मोहम्मद रिजवान बन चुके हिस्ट्री में थर्टीन हंड्रेड वन रन बनाया है जो कि पहले ही बारे आपको बताया इसी वीडियो में जो मोहम्मद रिजवान के बारे में बात चलती थी कि मोहम्मद रिजवान छक्का नहीं मार सकते और उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के मार के दिखा दिए फोर्टी थ्री छक्के जो कि देख सकते हैं आप जोस बटलर भी है को मार्टिन गुप्टल है बहुत से ऐसे हिटर है हार्दिक पंड्या बहुत से ऐसे हिटर है जिनने इतने ज्यादा छक्के नहीं मारे पर मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद रिजवान ने जो ओवरऑल टी ट्वेंटीज हैं उसमें भी सबसे ज्यादा रन बना लिए हैं 2001 रन बना लिए 2001 रन जो कैलेंडर ईयर में बना लिया इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मिला के तो मोहम्मद रिजवान की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए ये गोल्डन ईयर रहा है तो, ट्वेंटी ट्वेंटी का उसके बाद जो बाबर आजम और रिजवान की जो ओपनिंग पार्टनरशिप्स हैं उनमें भी बाबर आजम और रिजवान छा गए थे और सबसे ज़्यादा जो हंड्रेड प्लस पार्टनरशिप्स हैं टी में वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के पास आ चुकी हैं जो कि टोटल छः हैं उनके बाद भी जो पार्टनरशिप्स हैं ये इंटरनेशनल और जो कह सकते हैं डोमेस्टिक सी, जो सीजनस होते हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा जो हंड्रेड पार्टनरशिप्स हैं वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के पास आ चुकी हैं उसके बाद अगर हम बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की तो मोहम्मद रिजवान ने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल में डोमेस्टिक लेवल में हर जगह प्रूफ करके दिखाया कि मोहम्मद रिजवान जो है एक शानदारी बैट्समैन है और विकेट कीपर है और कैप्टन है और मोहम्मद रिजवान की जितनी तारीफ की जाए कम है क्योंकि मोहम्मद रिजवान को जिनको दो साल दो से तीन साल पहले कोई इतना अच्छा जानता नहीं था पर वो मोहम्मद रिजवान आज जो टी ट्वेंटी 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 वन के गोल्डन मैन खिलाए जा सकते हैं हर जो भी आकर आप टी ट्वेंटी देखें वनडे देखें टेस्ट टीम देखे हर जगह में मोहम्मद रिजवान ने परफॉर्म करके दिखाया है और बताया कि वो कितने अच्छे और टीम मैन है उससे ज़्यादा बढ़ के जो सबसे ज़्यादा बढ़ के वो टीम मैन है और मोहम्मद रिजवान के लिए आज एक बहुत अच्छी ख़बर भी थी कि मोहम्मद रिजवान को जो काउंटी क्रिकेट है उसमें भी ऑफर्स आई थी और मोहम्मद रिजवान जो ट्वेंटी ट्वेंटी टू का सीज़न होगा वो काउंटी क्रिकेट में खेलेंगे सक्सेस टी टी क्लब है उसकी तरफ से खेलेंगे और मोहम्मद रिजवान के लिए जो गोल्डन ईयर गुजर चुका है क्योंकि अब आगे जो बीस रह गए हैं जो इस साल के उसमें कोई पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं है उसके बाद जो तो अगला साल शुरू होगा उसमें देखते हैं कि मोहम्मद रिजवान कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं